हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषि। स्वागत है आपका माय फार्मा टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम मैनकाइंड प्लेसिडा प्लस टैबलेट के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले। ये टैबलेट कैसे काम करती है, ये किन किन समस्याओं में उपयोग होती है, इसका डोज क्या है, इससे क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, इस टैबलेट से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। मैनकाइंड फार्मा कंपनी की ये 10 टैबलेट की स्ट्रिप आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पर 57.50 रुपये में मिल जाएंगी। मैनकाइंड प्लेसिडा में फ्लुपेंटिसोल SCL BP 0.5 mg, मेलेट्रांसिन SCL 10 mg ये कंटेन है। फ्लुपेंटिसोल यह एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है। यह ब्रेन से निकलने वाले डोपामाइन के केमिकल मैसेंजर को रोकने का काम करता है, जो विचारों और मनोदशा यानी मूड और थॉट पर अफेक्ट करता है। मेलेट्रांसिन एक ट्राइसाइक्लिन एंटी डिप्रेशन ड्रग है, जो ब्रेन में केमिकल मैसेंजर के लेवल को बढ़ाता है, जिससे मूड को नियंत्रण करने में और डिप्रेशन को कम करने में सहायता मिलती है। आइए जानते हैं इस टैबलेट का इस्तेमाल और किन किन समस्याओं में किया जाता है। इसे डिप्रेशन, सिजोफ्रेनिया, भावनात्मक रूप से असंतुलन से गुजरना, चिंता से बेचैन होना, मानसिक स्थिति से कमजोर महसूस करना, मानसिक स्थिति ठीक न रहना, इन समस्याओं में आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका डोज आप अपनी समस्या बताकर अपने डॉक्टर से पूछ ले। वयस्क व्यक्ति यानी एडल्ट ये एक टैबलेट दिन में एक बार ले सकते हैं। इसे हमेशा डॉक्टर की सलाह से लेना चाहिए। साइड इफेक्ट इस टैबलेट में मौजूद। अगर आपको किसी कंटेंट से एलर्जी है तो आपको इससे साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इससे आपको कब्ज, नींद आना, दिल की धड़कन तेज होना, कपकपी छूटना, सिर दर्द, अपचन ये साइड इफेक्ट हो सकते। अगर आपको ये साइड इफेक्ट महसूस हो तो आप अपने डॉक्टर से संपर्क करें। ड्रग इंट्रैक्शन से इस टैबलेट के साइड इफेक्ट बढ़ भी सकते हैं या फिर इसका प्रभाव भी कम हो सकता है। यदि ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो आप आगे बताए ड्रगों के साथ इस टैबलेट का इस्तेमाल न करें। इसे बारबिटूरेट, लियोडोपा, हाइपनोटिक्स इन ड्रगों के साथ यूज़ न करें। प्रिकॉशन इस टैबलेट को यूज करते समय सावधानियाँ। इसे छोटे बच्चों से दूर रखें। इसकी नियमित खुराक अपने डॉक्टर से पूछ के और अपने डॉक्टर के परामर्श से ही ले। गर्भवती महिलाएं और स्तनपान करने वाली महिलाएं ये टैबलेट का इस्तेमाल करने से पहले अपने गायनोकोलॉजिस्ट या डॉक्टर से पूछ ले। इसे अल्कोहल के साथ यूज न ले। अगर आप पहले से ही कोई अन्य विटामिन की टैबलेट या कोई अन्य टैबलेट खा रहे हो तो इसकी सूचना अपने डॉक्टर को जरूर ले। इसकी वजह से इसका एक तो ड्रग इंट्रैक्शन नहीं होगा या तो फिर इसका ओवरडोज भी नहीं होगा, जिससे साइड इफेक्ट कम दिखते। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो में से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और माय फार्मा टिप्स चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।